बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर आराइश कंप्यूटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएसपी रिचार्ज पोर्टल के अंदर। दोस्तों आप इससे पहले बैलेंस जो ऐड करते थे और आप जो बैलेंस ऐड करेंगे थोड़ा सा उसमें चेंजेस आ चुका है। वो चेंजेस क्या है वो सारा जानकारी मैं आपको इस वीडियो में आपको दे दूंगा। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। जैसा कि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या चेंज आया है। आप यहाँ आप जब भी आप जितने भी रिटेलर हैं आप अपना MSP ओपन करेंगे तो यहाँ सारा नोटिफिकेशन आपको इस पे चेंजेस जो किया गया है आपको इस पे शो कर जाएगा। अब जो भी हम ट्रांजेक्शन करते थे तो उसमें ट्रांजेक्शन आईडी मांगा जाता था, अब इसमें जो है क्या करना है आपको UTR नंबर डाला जाता है। तो UTR नंबर कैसे डाला जाएगा, जैसे मैं आपको ऐड मनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन आईडी में आपको UTR नंबर मांगा जाएगा। तो UTR नंबर फिल करना है। UTR नंबर आपको मिलेगा कहाँ से, चलिए मैं बता दूंगा। जैसे आप फोनपे में आते हैं सारा तरीका आपको वही रहेगा, बस नंबर चेंजेस करना है कौन सा नंबर डालना होगा उसमें सो बता दो। तो ये हमारा फोन पे एप्लीकेशन है, सिंपली हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसा कि हमारा ये फोन पे एप्लीकेशन ओपन हो रहा है और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, हमारा अपना लॉक खुल दिया है और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने एक ट्रांजेक्शन के याद लगाया था और यहाँ पे आपको दिया गया ये ट्रांजेक्शन आईडी, तो आप पहले इसको कॉपी करते थे तो यह ट्रांजेक्शन करते थे, आप इस नंबर को कॉपी आपको नहीं करना है। करना क्या है तो आपको थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको डेबिटेड फॉर्म के नीचे में आपको UTR नंबर दिखेगा जो कि 12 डिजिट का होगा। सिंपली इस नंबर को आप कहीं नोट डाउन कर लेंगे और इस नंबर को आप सही से देख के उसमें डालेंगे तो ही आपका बैलेंस ऐड होगा। यही थोड़ा सा चेंजेस किया गया है कि आपको ट्रांजेक्शन आईडी का जगह UTR नंबर डालना है MSPE में और उसके बाद बैलेंस ऐड करेंगे तो आपका बैलेंस ऐड हो जाएगा। जैसा कि नया अपडेट आया है तो मुझे ये देना अच्छा लगा, तो मैं आप सभी रिटेलर को ये इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद जय भारत।